Alexa, good morning. Good morning. तो गाइस रिसेंटली मैंने अमेजोन का एको डॉट थर्ड जनरेशन खरीद लिया है एंड अभी आपको पता है अमेजोन एलेक्सा टर्न्स 5 मतलब 5 साल हो गए तो उसके लिए सेल वेल चल रही थी तो मैंने कहा चलो खरीद लेते हैं। तो थर्ड जनरेशन खरीद लिया, उसके बाद पता चला कि भैया फिफ्थ जनरेशन लॉन्च हो चुका है। तो भाई क्या डिफरेंसेस हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में, आपको डिटेल में बताते हैं एंड आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। एंड अभी तो भैया प्राइस एक्चुअल में 5000 पे लॉन्च हुआ है बट अभी सेल बंद हो गई है तो 5500 चला गया प्राइस एलेक्सा का फिफ्थ जनरेशन वाला एको डॉट का। तो भैया कौन सा ले कौन सा नहीं सब बताता हूँ आपको, गाइड करता हूँ एंड अपने एलेक्सा डॉट थर्ड जनरेशन की ज़रा अनबॉक्सिंग तो कर लेते हैं। सो वीडियो शो करते हैं लेकिन उससे पहले ये जो लाल बटन काला बटन सफेद बटन जो भी दिख रहा है ना बस दबा दो, सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड शेयर कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो चलो अनबॉक्स करते हैं। तो गाइड आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इको डॉट थर्ड जनरेशन एंड अभी हमने ऑर्डर किया है इसको 2300 रुपये में। So let's open with this hamara mast wala knife. Mast hai. Aur isme aap dekh sakte hain buttons plus minus volume ke liye aur ye main button aapka command on karne ke liye aur ye aapka mute button. और चार फार फील्ड माइक्स हैं इसमें तो काफ़ी अच्छा है इसका पिकअप होता है ऑडियो में। एंड यहाँ पे हमें बुकलेट्स मिल जाती हैं कुछ इको डॉट और ये हमें शायद से थैंक्स टू ट्राई दिस एंड दैट सम इंफॉर्मेशन। पहले हम अडेप्टर लगा लेते हैं इसका, है अडेप्टर इसके अंदर ही आता है और इसका आपका आ जाता है नॉर्मली नॉट माइक्रो यूएसबी बट मेरे गूगल होम में जो है आपका माइक्रो यूएसबी पोर्ट है इसमें ये नॉर्मल वाला है और नॉर्मल इंडियन प्लग है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है अमेज़न। सो लेट्स प्लग इट इन। तो गाइस देख सकते हैं लाइट जल चुकी है। सो अब हम यहाँ पे आपका एलेक्सा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। एलेक्सा ऐप डाउनलोड करने के बाद ये देखिए ऑन हो रहा है, आवाज़ आ रही है। हेलो योर डिवाइस इज रेडी फॉर सेटअप, जस्ट डाउनलोड द एलेक्सा ऐप एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सो सेटअप कंप्लीटेड, ब्लू लाइट जल गई आपका। Your Echo is ready. Hey there. It's nice to meet you. Let's get you started with four things to try. You can say stop at any time. Let's get started. To talk to me, just say my name and ask me a question. Try saying this. Alexa, what's the weather? Alexa, how's the weather? In Hubli Goda Nagara, it's 26 degrees Celsius with mostly sunny skies. Have fun exploring and thanks for chatting. मुझे कोई भी हिंदी गाना नहीं मिला। तो गाइस अगर मैं थोड़ा सा बात करूं एको डॉट थर्ड जनरेशन का कैसा है आपका एक्सपीरियंस, तो इनका यार एलेक्सा का मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि पिकअप बहुत अच्छा होता है, मतलब आप एक बारी बोलोगे एक बारी में उठा लेता है। मेरा गूगल होम नहीं सुनता है सीरियसली, तो कितना भी तेज लाउड साउंड बज रहा होगा ना फिर भी वो सुन लेता है। इसके स्पीकर भी काफ़ी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट सेम है फोर्थ जनरेशन के बट इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग है स्पीकर का, तो वो चारों तरफ फैलाता है 360 डिग्री में, जबकि आपका वो जो वो है आपका इको डॉट फोर्थ उसका स्पीकर फ्रंट फायरिंग है तो ऐसे आता है, तो मतलब पीछे वाले को पीछे साइड में कम आवाज़ आएगी, यहाँ से आपका ज़्यादा आएगी, उस तरह से है वो चारों तरफ का घेरता है उसके हिसाब से है। तो थोड़ा बहुत तो साउंड का डिफरेंस आता है ऑब्वियसली, मतलब पोजिशनिंग चेंज करने से आता है जबकि सेम चीज़ का सेम ड्राइवर लगा हुआ है फिर भी, तो वो तो है बट मेरे को तो सही लगा। अभी इको डॉट फोर्थ जनरेशन की सोच रहा हूँ खरीदूंगा तो उसके बाद कंपैरिजन करेंगे फिर। एंड अगर आप बोलें तो एलेक्सा और गूगल होम को कंपेयर करें कौन सा अच्छा है, बट ये फर्स्ट जनरेशन है वैसे ही बेचारा मरा हुआ है तो हार ही जाएगा गेम, बट ठीक है अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में तो हम ज़रूर से ट्राई करते हैं, ज़रूर से बताइएगा मेरे को। ओवरऑल बताऊं तो मेरे को एलेक्सा काफ़ी अच्छा लगता है, हिंदी आउटपुट्स वगैरह एंड अमित जी तो है ही उसके अंदर तो वैसे मज़ा आ जाता है, तो आई वुड हमेशा गो फॉर एलेक्सा। आप कौन सी टीम में हो, एलेक्सा की गूगल, ज़रूर से बताना मुझे कमेंट्स में। सो गाइस अब बात करें अगर हम कंपैरिजन की तो इको डॉट थर्ड और आपका फोर्थ और फिफ्थ में क्या कंपैरिजन है, एंड इवन हम इको को भी कंपेयर करेंगे जो सबसे बड़ा वाला इको होता है जो कि 8000 कुछ समथिंग का आता है तो बहुत महंगा है वो तो, बट हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो 2018 में आया था थर्ड, फोर्थ आया 2020 में, 2023 में आया आपका फिफ्थ जनरेशन। मैं आपको पहले बता दूं इको डॉट फिफ्थ जनरेशन 2022 अक्टूबर में लॉन्च हो चुका था ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया में आते आते
टाइम लग जाता है उसको, तो आ गया है 2023 का बनके, तो चलो अच्छी बात है आ गया है। तो इसमें क्या क्या फ़र्क है, तो पहले अगर मैं बात करूँ थर्ड और फोर्थ में आपको 1.6 इंच का स्पीकर मिलता था, बट आपका इको डॉट फोर्थ में फ्रंट फायरिंग स्पीकर हो गया, तो क्योंकि वो बॉल की तरह दिखता है। फिफ्थ भी सेम डिज़ाइन रखा गया है, बट इसमें मेजर चेंज क्या है मैं आपको बता दूँ, फिजिकली 1.73 इंच का फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, एंड बोला जा रहा है कि बेस बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, पहले से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, एंड डिस्टॉर्शन वगैरह तो पहले भी नहीं था तो अभी भी नहीं है, तो वैसे आपका ऑडियो थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। और उसके बाद बात करें फिजिकल चेंज में, आपका जो हेडफोन जैक था 3.5 mm वाला जिसमें कि आप एक्सटर्नल स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते थे, वो रिमूव कर दिया गया है इको डॉट फिफ्थ जनरेशन में, तो भैया फिफ्थ जनरेशन में आपको वो नहीं मिलने वाला। सो आप लोग यूज़ करते हो क्या, अगर आपके पास थर्ड है या फोर्थ है ज़रूर बताना मेरे को, 3.5 mm क्या इंपॉर्टेंट है क्या जो फिफ्थ में हटा दिया, मे बी लोगों का ज़्यादा डिमांड नहीं होगा शायद इसलिए हटा दिया। मैं सोचता हूँ कि यूज़ करूँ कि नहीं करूँ पता नहीं, अभी तो आया है देखते हैं क्या होता है। अभी तक मैं गूगल होम का यूज़र था जो कि फर्स्ट जनरेशन है, अभी भी रखा हुआ है यहाँ पे, साले को कितनी बार बोलो सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए मैंने कहा एलेक्सा पे चलते हैं, हिंदी में भी अच्छे से बात करता है, तो इसलिए। तो और बात करें अगर बिग डिफरेंसेस के, तो सबसे बड़ा मोशन डिटेक्शन थर्ड जनरेशन में नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ में मोशन डिटेक्शन है, तो मतलब हम लोग आएंगे या जाएंगे तो मोशन डिटेक्ट करता है कि भैया कोई आया है, तो रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छे से करेगा क्योंकि वो अटेंटिव हो जाता है थोड़ा सा। और इसमें खासियत क्या है, फिफ्थ में आपको मिलता है जो टेम्परेचर सेंसर है वो, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, जैसे अगर आपको गर्मी हो रही है आपका, तो एक सेट कर दिया कि इस टेम्परेचर से ऊपर जाए तो एसी ऑन कर दें, तो ऑटोमेटिकली एसी ऑन कर दें, क्योंकि भाई स्मार्ट होम के तरफ से होता है वो तो कंट्रोल कर लेता है, बट हाँ एसी स्मार्ट होनी चाहिए तभी वो कनेक्ट कर पाएगा ना अपने आप से, रिमोट से तो ऑन करेगा नहीं खुद, तो ऐसा है। बट हाँ आप एक आता है आयर ब्लास्टर जो कि मैं अभी खरीदने की सोच रहा हूँ मोस्टली, तो वो अगर आप कनेक्ट कर देंगे एसी के साथ तो वो उसको पावर बोलेगा और वो एसी ऑन कर देगा, तो इस तरह से आपका स्मार्ट डिवाइसेस बन जाएगा, अगर आपका कोई नॉन स्मार्ट एसी भी है तो भी, तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं वैसे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो बाय कर सकते हैं अगर स्मार्ट बनाना आपको एसी भी या कोई भी इक्विपमेंट, तो बहुत अच्छा है वो। और इसमें डीप बास मैंने आपको बता ही दिया है, एंड मोशन डिटेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्मार्ट होम भी बता ही दिया है, इसमें यही सब है, और साथ साथ आपका टैप कर देंगे तो एकदम से बंद हो जाएगा ऑडियो अगर कुछ चल रहा होगा इको डॉट फिफ्थ में, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सब ज़्यादा चेंजेस हैं, और तो और कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। यहाँ पे आपका जो अगर बड़े वाले इको से बात करें तो उसमें तो है भैया मोशन डिटेक्शन भी है, टेम्परेचर सेंसर भी है, वो सब कुछ है। और अगर हम बात करें चेंजेस की तो देख सकते हैं ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपका यहाँ नो आ चुका है क्योंकि हेडफोन जैक निकल चुका है, कंट्रोल स्मार्ट होम सब में है, स्क्रीन नहीं है किसी में, कैमरा भी नहीं है किसी में, बिल्ट इन ज़िगबी भी नहीं है जो कि एको में है, जो मेन वाला है उसमें है, और अदरवाइज एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ, बट प्राइस गैप बहुत ज़्यादा है, 5,500 और 3,500 है आपका थर्ड, फोर्थ है 4,500 एंड फिफ्थ है 5,500, तो हज़ार करके बढ़ा दिया है। बट अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसी कोई सेल आती है ना इनके प्राइजेस भड़म करके गिरते हैं, तो मतलब मैं आपको अभी बता देता हूँ पिछले सेल के रेट्स, तो इको डॉट थर्ड जनरेशन आपको ईजिली 2,250 के आसपास विद स्मार्ट बल्ब मिल जाता है, वरना 50 रुपये लगाओगे शायद 2,300 के आसपास स्मार्ट बल्ब के साथ मिल जाता है। यहीं पे आप बात करें इको डॉट फोर्थ जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इको डॉट फोर्थ जनरेशन आपको 2,250 के आसपास विदाउट बल्ब एंड विद बल्ब 2,300 के आसपास मिल जाता है, 1,750 को मिल जाता है इको डॉट थर्ड जनरेशन, सेल की बात कर रहा हूँ, इतना अच्छा प्राइस गिरता है। और फिफ्थ जनरेशन भी अब मेरे को लग रहा है कि सेल में गिराएंगे प्राइस, तो अराउंड मेरे को लग रहा है 3,000-3,500 के आसपास आ सकता है, तो मैं तो बोलूँगा खरीदना है तो भैया सेल का वेट करो, तो अभी खरीदना, अभी मत खरीदना, तो ये है। हाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं है फोर्थ और फिफ्थ में, आपका स्ट्रक्चर वक्चर सब सेम ही है, साइज वाइज भी सेम ही है, थोड़ा बहुत हल्का भारी हुआ है और सब कोई चेंजेस है नहीं, तो मैं बोलूँगा जो सस्ता मिले ले लेना फोर्थ और फिफ्थ में, हाँ अगर लेटेस्ट में जाना है तो फिफ्थ में चले जाना, वैसे सबको अपडेट जो मिलेंगे सब सेम ही मिलेंगे, सेम आपका पिकअप माइक्स हैं, सेम सब कुछ है, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, जो जो चेंज हुआ फिजिकल चेंज मैंने आपको बता दिया है।
तो भैया आप लोग बताना यार, फोर्थ लोगे फिफ्थ लोगे या फिर आप प्राइस देखोगे कौन सा सस्ता है कौन सा नहीं, तो ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप खरीदने जा रहे हो, सेल पे भी खरीदने जा रहे हो, तो भैया हमारे लिंक से खरीद लेना, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो चैनल को भी हेल्प हो जाएगी। एंड और भी कुछ डिस्काउंट्स आते रहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम में ज़रूर बताता हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है और हमारा चैनल भी है, जहाँ पे सारी डील्स डालते रहते हैं जब भी कुछ आता है। ऑब्वियसली वीडियो हम हर टॉपिक पे नहीं बना सकते, कभी कुछ सेल आ रही है कभी कुछ सेल, तो वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। और अगर हमसे बातें करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसमें भी बातें करते हैं, तो ज़रूर से आ जाओ। एंड फायर टीवी स्टिक वाले लवर्स हो क्या? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आ जाओ बातें करते हैं फायर टीवी स्टिक की भी, उसके बारे में भी हमारी वीडियो आती रहती है, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया सेल आती है। मतलब अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपके भी कोई मतलब अगर नहीं अच्छे लगते हैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स, तो बताना यार, फीडबैक देना, हम भी जाने कि भाई कैसे आपका एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है क्या नहीं। तो मेरे तरफ से ओके है, अगर एक और थर्ड भी लोगे ना तो कुछ बुरा नहीं है, आप लोग को अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है अगर बजट कम है तो, बट सेल में लेना, ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देना, वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।